हेलो फ्रेंड्स, ये है MI MI 9C और ये सेट डेड है। न इसमें कोई वाटर डैमेज है और न इसमें सॉल्टिंग वगैरह कुछ बता रहा है। इसमें एक साइड इसकी वैल्यू आ रही है 460 के, 500 के समथिंग, और दूसरी साइड इसमें सॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। जीरो सॉर्टिंग बता रहा है। तो मल्टीमीटर के हिसाब से इसमें सॉर्टिंग नहीं है। अगर हम डीसी मशीन से चेक करें, फिलहाल तो मेरे पास डीसी मशीन नहीं है, लेकिन डीसी मशीन से चेक करने पर हो सकता है ये सेट वोल्टेज लेता हो या थोड़ा बहुत करंट विदाउट पावर बटन दबाए लेता हो। इसमें बैटरी लगाने पर भी MI वगैरह कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। वो भी नहीं आ रहा है। मैं चेक करके बता रहा कि इसमें टोटल कितना करंट आ रहा है। यहाँ पर 5 पॉइंट का वोल्टेज आ रहा है। बैटरी फुल चार्ज है। फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। जब बैटरी लगाकर देखते हैं तो ये वाला पोजीशन जो यहाँ पर ये है पावर IC, ये वाला एरिया गर्म हो रहा है। तो इसको चेक करके देखते हैं अपन, हो सकता है इसमें कहीं सोल्टिंग हो। इसको भी पर चेक पर सेट करते हैं। ये भी शॉर्ट बता रहे हैं जो डायोड है। तो ये सारे के सारे तो शॉर्ट बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक कंपोनेंट होगा वो शॉर्ट होगा। तो उसके लिए ये जो पेस्ट आती है शॉर्टिंग किलर के लिए, तो अपन इसको यूज़ करके देखते हैं। तो इससे अपन को इसकी शॉर्टिंग पता चल जाएगी। अगर IC शॉर्ट हो भी वो भी बता देगा, कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा जो वोल्टेज ले रहा हो तो वो भी बता देगा। तो फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं सी के बैटरी का वोल्टेज दे। अगर आपके पास ऐसी कोई पुरानी बैटरी हो तो उसका भी करंट देख सकते हैं, और अगर ये खुद बैटरी चार्ज है 6 वोल्टेज तक अपन इसको करंट दे सकते हैं।
इससे इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो चार्जर लगाकर वोल्टेज देते हैं तो पता चल जाएगा। इससे चार्जर लगा लेते हैं। ये देखिए, ये डायोड यहाँ पर, ये डायोड शॉर्ट था, ये वाला, तो यहाँ से ये पेस्ट पिघल गई है। तो इसको अपन एक बार रिमूव करके चेक करते हैं उसके अपने। फ्रेंड्स, इस डायोड को अपन ने निकाल दिया है। इसको थोड़ा क्लीन करके देख लेते हैं। बाकी के इनमें रीडिंग आने लग गई है। पहले दोनों तरफ बीप था तो अब आ रही है 400-500 के समथिंग आ रही है। लगता है इसकी शॉर्टिंग हट चुकी है। अपन देखते हैं सेट चालू हो रहा है या बैटरी लगा दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें वो डायोड शॉर्ट था, इस कारण ये डेड हो चुका था और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कोई भी सेट डेड हो तो सबसे पहले उसमें शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लो, बैटरी चेक कर लो, उसका जैक वगैरह सही है या नहीं ये भी चेक कर लो। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ज़रूर। देखिए तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।